चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द राइजोपस। ये क्या है? एक फंजाई है, ऑलरेडी बात हो चुकी है इस पर। क्या क्या फंगस के करेक्टर होते हैं, वो सारे करेक्टर्स इसमें भी पाए जाते हैं। जैसे फंजाई का करेक्टर क्या है, सेल वॉल इज द मेडअप ऑफ द काइटिन, इट इज द हेटरोट्रॉफ, इट इज द मेजर डिकम्पोजर, बॉडी इज मेडअप ऑफ द लॉन्ग फिलामेंट ऑफ हाइफी दैट इज ऑल्सो नोन एज द माइसिलियम, इट रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअली वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली, वेजिटेटिवली बाय द फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाय द स्पोर्स, सेक्सुअली बाय द मेटिंग ऑफ द हाइफी फिलामेंट। दो डिफरेंट फिलामेंट आपस में फ्यूज करके फ्यूजन करते हैं और जो भी बनाना रहता है दैट मेक द जाइगो स्पोर्स। इसीलिए इस पूरे ग्रुप का नाम ही रख दिया गया, जाइगो माइकोटीन। जाइगो माइकोटीना दैट इज जो इतने भी होते हैं जनरली नोन एज द ब्रेड मोल्ड्स। इनको क्या कहते हैं, रोटी या कहीं भी पकड़ो देखो फंगस लग जाते हैं, दैट इज नथिंग, इट इज द राइजोपस, इट इज द राइजोपस। चाहे ब्रेड हो रोटी हो देखो वो लग जाते हैं, दैट इज द, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, दैट इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड। राइजोपस इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक ब्रेड मोल्ड, क्योंकि उनका स्पोर्स किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, इसलिए देयर फॉर इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ओके, तो फंजाई में पांच ग्रुप हैं, वो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखते हैं ब्रेड पे, अभी देखा है कोई आपने? ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप अवेयर नहीं है इससे, ये वही राइजोपस है। ठीक है, क्योंकि ब्रेड पे ही दिखता है, देयर फॉर इट इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड्स। मिठाई मतलब फंगस अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन क्लासिफिकेशन क्या होगा, किंगडम इज द फंजाई, डिवीजन इज द माइकोटा, सब डिवीजन इज द यू माइकोटीना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर जैसा नाम वैसा ऑर्डर दैट इज द म्यूक्रेल्स, फैमिली म्यूक्रेसी एंड जीनस इज द राइजोपस। ठीक है, इसे म्यूकर भी कहते हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, म्यूक्रेल्स म्यूक्रेसी एंड राइजोपस। तो ऊपर का तो सब आपको याद ही था, इतना है और ध्यान दीजिएगा, दैट इज द ऑर्डर इज द म्यूक्रेल्स, फैमिली इज द म्यूक्रेसी एंड जीनस इज द राइजोपस। इट इज द मोस्ट कॉमन मोल्ड दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ब्लैक कलर का होता है इसीलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इट इज ए प्राइमरली, इट इज द डिकम्पोजर, क्या है एक डिकम्पोजर, डिकम्पोजर किसे कहते हैं, डिकम्पोजर जो किसी भी फ्रेश जो डेड मटेरियल है उसको क्या करे, डिकम्पोज करे, मतलब पुनः उनको जिस फार्म में थे अपोजिट उनको घर सड़ा गला करके फिर खत्म कर दे, रिसाइकलिंग कर दे, दैट इज द डिकम्पोजर। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो क्या होते हैं उसमें, देखते हो सड़ने गलने लगता है तमाम तरह के, या जानवर आते हैं उनके मांस खा जाते हैं सिर्फ हड्डी हड्डी बच जाता है, तो ये सब क्या है, दैट आर द स्क्वेंजर। इनको तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी चीज़ को सड़ा गला करके खत्म करते हैं, ऐसा नहीं वो पड़ा रहेगा, उस दिन बाद वो सब सपा चट कर जाएंगे और सारे सारे उनके मटेरियल क्या हो जाएंगे, इकोसिस्टम में वापस आ जाएंगे जिस फार्म में रहेंगे। भाई बॉडी किसकी बनी है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, इनको डिकम्पोज करके फिर क्या करते हैं उसी एलिमेंट फार्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डिकम्पोजर भी एक बड़ा ग्रुप है पूरे इकोसिस्टम का। एक तो है प्रोड्यूसर, जो पौधे क्या करते हैं भोजन बनाते हैं, उनको खाने वाले कंज्यूमर, हम सबको मर जाने के बाद गलाने वाले डिकम्पोजर, इस तरह से साइकिल क्या होती है हमेशा चलती है। एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर, जैसे हम लोग कुछ बनाते नहीं, बना बनाया भोजन पौधों से तमाम जगह से लेते, वी आर द कंज्यूमर, और हम भी मरेंगे जानवर मरेंगे सबको डिकम्पोज करके क्या करेंगे, अगर ये डिकम्पोजर नहीं होते तो क्या होते, ऐसे ही पड़े रहते, फिर क्या होता साइकिल में, फिर वापस नहीं जाता, केवल हम लेते जाते सारे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट और तमाम के फार्म में और डिकम्पोज करके फिर वापस कौन करें, ये काम करते हैं डिकम्पोजर के। तो उसी में ये फंजाई भी क्या है,
ये भी बैक्टीरिया भी काम करता है, वायरस तमाम तरह के डिकम्पोजर हैं, तो ये भी ये क्या है एक तरह से दय डिकम्पोजर। जैसे ही ब्रेड आता है या कोई भी चीज़ पड़ी रहती है ऐसा नहीं तुरंत लग जाते हैं, थोड़ी देर बहुत दिनों बाद देखोगे आप उसको फंगस लग गए, अचार रख देते वहाँ भी फंगस लग जाते हैं, तो इट इज क्योंकि ब्रेड पे होता है दैट इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड एंड इट इज ड्यू टू इट्स कलर ब्लैक इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक ब्रेड मोल्ड। तो राइजोपस क्या है, इट इज ए प्राइमरली डिकम्पोजर। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स, और वो कहाँ बनते हैं, इनसाइड द स्पोरेंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल टाइप का होता है, इसमें सीधे कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, डायरेक्ट हाइफी माइसिलियम, माइसिलियम ही क्या होते हैं दो तरह की, एक पॉजिटिव स्ट्रेन एक निगेटिव स्ट्रेन, वो अलग नहीं है लेकिन जो दो फ्यूज करेंगी तो उसमें तो एक मेल फीमेल तो होगा ना कोई, तो मान लिया जाता है वन इज द पॉजिटिव स्ट्रेन अनदर इज द निगेटिव स्ट्रेन, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द जाइगो स्पोरेंजियम। उसी को फ्यूजन के बाद क्या बनता है जाइगो स्पोरेंजियम, और जाइगोट की जगह क्या बनता है जाइगो स्पोर, क्या बनता है जाइगो स्पोर। इट इज द सेक्सुअल स्टेप, टू एन जाइगोट दैट आर कन्वर्टेड इन टू द जाइगो स्पोर, इट लाई डारमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड एंड ऐसे जाइगो स्पोर क्या होगा सॉइल में पड़ा रहेगा या जहाँ भी रहेगा ब्रेड पे ऐसे पड़ा रहेगा, जब न्यूट्रिएंट मिलेगा उसको फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करेगा पहला डिवीजन करेगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद माइटोसिस, और फिर एक नया माइसिलियम डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो राइजोपस है इसमें केवल जो डिप्लॉयड स्टेज है केवल एक सेल का है जाइगोट, केवल एक जाइगोट बनता है और जाइगोट ही क्या होता है फर्दर मियोसिस करके हाइफी बना दिया, यानी थैलस या हाइफी या माइसिलियम क्या होगा हैप्लॉयड, इट इज द हैप्लॉयड, या स्पोर भी जो बनते हैं वो सब के सब क्या है हैप्लॉयड। दैट आर द कॉमन मोल्ड्स, ओके, ये मास ऑफ फिलामेंट्स है। ब्रेड मोल्ड का अगर स्ट्रक्चर डिटेल में देखें तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ सरफेस पे रन करते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टली दैट आर कॉल्ड एज स्टोलन, क्या कहते हैं उसको स्टोलन, और जो सरफेस के नीचे रहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट नहीं होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कॉल्ड एज राइजोइड, ओके। माइसिलियम का ही पार्ट्स है, ठीक है, तो रूट लाइक हाइफी इज कॉल्ड एज राइजोइड, देख रहे हो जो अंडरग्राउंड या सरफेस के नीचे रहते हैं, और जो ऊपर देख रहे हो हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज स्टोलन। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस, राइजोपस कंसिस्ट द टू काइंड ऑफ हाइफी, टू काइंड ऑफ हाइफी आर माइसिलियम, फर्स्ट इज द वेजिटेटिव हाइफी, अनदर इज द रिप्रोडक्टिव हाइफी। वेजिटेटिव हाइफी मतलब जो वेजिटेटिव हो जिसपे कोई स्पोर स्पोर ना बने उसे क्या कहेंगे वेजिटेटिव, और जिसपे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करें उसे क्या कहेंगे रिप्रोडक्टिव हाइफी। वेजिटेटिव हाइफी इज द डिफ्रेंशिएटेड इन टू टू टाइप that are the stolen and rhizoid. Stolen is the nothing, it is the runner, it is the runner. Stolen is the aerial hyphae grow horizontally and are found attached to the substratum. Rhizoid at the nodal region of the stolen, जहाँ जहाँ stolen है उसके नोड से many rhizoid like structure are the grow that are called as the rhizoid. तो एक अपर पोर्शन दैट आर कॉल्ड एज स्टोलन, और जो अंडरग्राउंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या रूट लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दैट आर कॉल्ड एज राइजोइड। दिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, क्या है वेजिटेटिव। जो ऊपर वाला देख रहे हो दैट इज जो स्पोरेंजिया जाइगो स्पोरेंजिया या स्पोर बियर करेंगे दैट आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हाइफी, क्या कहेंगे उसको रिप्रोडक्टिव हाइफी। ये भी स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिकल में बना लीजिएगा, काफी बना लीजिएगा राइजोपस का एक स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ द राइजोपस, इट इज द रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है, कहीं से भी माइसिलियम ब्रेक कर गई मरेगी थोड़ा ना, जितने टुकड़े होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे न्यू थैलस में ग्रो कर जाएंगे, तो दैट आर कॉल्ड एज टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, कहीं से भी ब्रेक करेगा और फेवरेबल कंडीशन अगर रहा
तो क्या कर जाएगा, ग्रोथ फेवरेबल का मतलब क्या, जहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट मिले, भोजन मिले, ऐसे नहीं कि इस पे रख दोगे तो कहोगे ग्रो करो, ठीक है भाई। क्या है ये, अपना भोजन नहीं बना सकता, इसको क्या चाहिए, ये डिकम्पोजर है। पूरे फंजाई क्या है, सारे नहीं हैं लेकिन दे आर द हेटरोट्राफ, ये क्या है, हेटरोट्राफ से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं किसी से ऑब्टेन करते हैं। तो दैट आर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर टेक प्लेस बाय द टू मेथड, वन इज द स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड अनदर इज द क्लेमाइडो स्पोर। क्लेमाइडो स्पोर क्या होता है आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वेजिटेटिव हाइफी इज द ग्रो, इट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ द स्पोरेंजियोफोर दैट इज द लॉन्ग सिलेंडर। जो स्टोलन है, जो वेजिटेटिव हाइफी है, तमाम उससे ब्रांचेज अपराइट एराइज होते हैं, दैट आर कॉल्ड इन द स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर डेवलप एंड इनलार्ज एट द एपिकल रीजन टू फॉर्म ए कॉलुमेला ऑफ द वेरिएबल शेप एंड साइज। द कॉलुमेला गिव राइज ए लार्ज एंड राउंड स्पोरेंजियम बाय द पुशिंग साइटोप्लाज्मिक मटेरियल टू द पेरिफेरल वॉल। आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पोरेंजिया आकर गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर सैक बिटवीन स्पोरेंजिया एंड कॉलुमेला। एंड आफ्टर मैच्योरिटी दिस स्पोरेंजिया स्पोर्स या स्पोरेंजिया सैक रप्चर एंड स्पोर्स आर द रिलीज आउट साइड। स्पोरेंजियो स्पोर्स रिमेन इन ए डारमेंट आर द रेस्टिंग स्टेट एंड ऑन कमिंग द फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्स आर जर्मिनेट। स्पोरेंजियो स्पोर्स आर जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू वेजिटेटिव हाइफी। देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है। दिस इज द वेजिटेटिव हाइफी, इट ग्रो अपराइट ब्रांच दैट आर कॉल्ड द स्पोरेंजियो स्पोर, सॉरी स्पोरेंजियो फोर, क्या कहेंगे इसको, स्पोरेंजियो फोर। एट द एपिकल एंड इट इनलार्जेस, एट एपिकल एंड इट इनलार्जेस एंड डेवलप ए कॉलुमेला, बीच में क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर डेवलप कर देता दैट आर कॉल्ड द कॉलुमेला, दैट आर कॉल्ड द कॉलुमेला। एंड इट इनलार्जेस, धीरे धीरे बढ़ के क्या करेगा, पूरे मास को क्या कर दिया, पेरिफेरी की तरफ धकेल दिया, देखो पुष्कर के किनारे की तरफ। और दैट आर चेंज टू द डिवाइडेड इन बाय टू फॉर्म द स्पोरेंजियो स्पोर, क्या बनाएंगे, स्पोरेंजियो स्पोर। आफ्टर द रप्चर ऑफ द स्पोरेंजियम दिस फोर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम, आफ्टर द रप्चर ऑफ द स्पोरेंजियम दीज स्पोर आर द कम आउटसाइड एंड अन कमिंग फेवरेबल कंडीशन इट जनरेट इन द फॉर्म ऑफ द जर्मिनेटिंग एंड चेंज इन टू द न्यू वेरी सिंपल। तो फर्स्ट क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉलुमेला, दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरेंजियो स्पोर एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्पोरेंजियम, क्लियर। तो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द स्पोरेंजियो स्पोर्स। स्पोरेंजियो स्पोर डेवलप इनसाइड द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम आर द डेवलप ऑन द टिप ऑफ द स्पोरेंजियो फोर, ठीक है, फोर स्पोरेंजियो फोर स्पोरेंजियो स्पोर स्पोरेंजियम, ध्यान देना। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, ये तो सब काम कब होगा, जब फेवरेबल है, सब कुछ बढ़िया है, ब्रेड वेड मिल रहा है, सब कुछ ओके है। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन लाइक दैट इनसफिशियंट फूड, जब भोजन की क्या हो, एकदम क्राइसिस हो, नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, एंड वाटर भी बहुत कम है, तो प्रोटोप्लाज्मा ऑफ द हाइफी, प्रोटोप्लाज्मा ऑफ द हाइफी श्रिंक एंड थिकेंड एराउंड, वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है उसको, दैट आर द रिज इन द फॉर्म ऑफ द क्लेमाइडो स्पोर। किस रूप में, बीच बीच में पूरा का पूरा हाइफी क्या हो गया, डिटैच हो गया, और उसका प्रोटोप्लाज्म एक तरफ इकट्ठा हो गया, पूरा थिक वाली स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज नोन एज द क्लेमाइडो स्पोर। दिस क्लेमाइडो स्पोर बिकॉज इट इज द थिक वॉल, और सारा सारा न्यूट्रिशन मटेरियल कहाँ है, इसी में है पूरा जो हाइफी का, दैट आर द लेफ्ट इन द
सॉइल कर सकते हो सरफेस पे जहाँ भी रहेगा पड़ा रहेगा। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा इट जनरेट टू फॉर्म द न्यू थैलेंड। वो सिंपल है। बस ये है कि स्पोरेंजियो स्पोर क्या होते हैं, बहुत मात्रा में बनेंगे, क्लेमाइडो स्पोर बहुत कम मात्रा में। देखिए देखें स्ट्रक्चर ये वेजिटेटिव हाइफी है, बीच बीच में क्या कर गया श्रिंक करके थिक वॉल्ड हो गया, दैट आर कॉल्ड एज द क्लेमाइडो स्पोर। दिस क्लेमाइडो स्पोर कम आउटसाइड एंड ऑन कमिंग फेवरेबल कंडीशन इट जनरेट टू फॉर्म द न्यू थैलेंड। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द राइजोबस इट टेक प्लेस बाय द टू मेथड, वन इज द बाय स्पोरेंजियो स्पोर, अनदर इज द बाय क्लेमाइडो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर फॉर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, क्लेमाइडो स्पोर इज फॉर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो हाइफी, टू हाइफी, टू डिफरेंट हाइफी, टू डिफरेंट हाइफी, टू डिफरेंट माइसीलियम दैट आर कॉल्ड एज द हेट्रोथैलस। होमोथैलस नहीं, ये नहीं कि कहीं जैसे थैलस आपस में दो, ये कहीं थैलस के दो माइसीलिया है, दो हाइफी तुम नहीं करेंगे, दो डिफरेंट थैलस के जो हाइफी हैं, वन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव स्टेन, अनदर इज कॉल्ड एज द निगेटिव स्टेन। They are come close together and at the point of the joining it protrude out. देखिए बीच से क्या बलून से protrude out and both are joined together and form a wall. दोनों के बीच में क्या, दोनों के न्यूक्लियस बीच में चले जाए, it form the progametangium. Progametangia, this progametangia are coenogamy, okay, undergo the meiosis, yeah, undergo the meiosis and it form the zygospore, it form the young zygospore, it become the thick wall, later kya ho jayega, it become the thick wall, this zygospore generate to form the mycelium, just like that, कालुनेला बनाएगा और यहाँ पर ढेर सारे स्पोर बनाएगा, तो दीज स्पोर फर्दर जनरेट टू फॉर्म द न्यू थैलस। यहाँ पे क्या है, दो हाइफी आएंगे, एक प्लस स्टेन एक माइनस स्टेन, दोनों साथ में आएंगे, फिर इनके साथ प्रोट्यूबेंस निकलेगा, फिर ज्वाइंट करेंगे जब फॉर्म द प्रोगैमेटेंजिया देन कोइनोगैमेटेंजिया एंड फाइनली इट डेवलप द जाइगो स्पोर। दिस जाइगो स्पोर बिकम द थिक वॉल लेफ्ट इन द सॉइल आफ्टर फेवरेबल कंडीशन इज जनरेट टू फॉर्म द प्रोमाइसीलियम, इट प्रोड्यूस द फॉर्म द जर्म स्पोर, फॉर दिस जर्म स्पोर बिकम चेंज इन द न्यू हैप्लॉइड थैलस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय द गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉपुलेशन क्या होता है, जब गैमिट फ्यूज करें, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हाइफी फ्यूज कर रहे हैं, गैमिट नहीं फ्यूज कर रहे, मेल गैमिट फीमेल गैमिट नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे पूरी पूरी क्या हो रही है, हाइफी कॉन्जुगेट कर रही है, जुड़ जा रही है, दैट आर कॉल्ड एज अ गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। अगर एक गैमिट फ्यूज करते तो उसे क्या कहते हैं, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। क्या कहते हैं उसको, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अगर गैमिट मेल गैमिट बनता है, फीमेल गैमिट बनता है, दोनों फ्यूज करते हैं, ठीक। कभी कल क्या होता है, तो हियर द फर्स्ट स्टेन ऑफ द थैलस टेक प्लेस बाय द प्लस थैलस एंड माइनस थैलस, प्लस स्टेन एंड माइनस स्टेन कम क्लोज टुगेदर एंड देन कॉन्जुगेशन अकर, देन फ्यूजन इन द अकर एंड पॉजिटिव निगेटिव थैलाई थ्रू द आउट ग्रोथ डेवलप ए पॉजिटिव निगेटिव थैलाई सेप्टम डेवलप बिटवीन द प्रोगैमेटेंजियम। दोनों के टिप पे क्या होगा, एक सेप्टम डेवलप करेगी तो एक प्लाज्मोगैमी अकर एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कोएनोगैमी। पहले क्या होगा, दोनों जो वाल बन गई, दोनों फ्यूज कर गए, वाल डिजॉल्व हो गए, तो जो न्यूक्लियस तो नहीं फ्यूज किए ना अभी, तो केवल अभी न्यूक्लियस नहीं फ्यूज किया, दैट आर कॉल्ड एज द कोएनोगैमी। क्या कहेंगे, कोएनोगैमी। लेटर कैरियोगैमी अकर, यानी दोनों का न्यूक्लियस भी क्या कर गया, फ्यूज कर गया, तो दैट आर द कैरियोगैमी, देन इट फॉर्म द जाइगो।
जब कैरियोकैमी हो जाएगा, पहले प्लाज्मोकैमी हुआ फिर कैरियोकैमी हुआ, था देन दे पार्टनर जाइगोट, जाइगोट आफ्टर द मैच्योरेशन बिकम द थिक वार्ड दैट इज नोन एज द जाइगोस्पोर, वही जाइगोट अगर थिक वार्ड हो जाए तो नाउ नोन एज द जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर इट हैव द टू लेयर थिक, आउटर लेयर है इनर लेयर, जाइगोस्पोर लेफ्ट इन द सॉइल, इट इज एक्ट एट द रेस्टिंग स्टेज, बहुत दिन तक पड़ा रह सकता है, जल्दी डिकेड नहीं होता है जैसे क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है, इसीलिए देखते हैं ना ऐसे तो ऐसे पड़े रहेंगे, जैसे ब्रेड मिला तुरंत ही हवा में ऐसे पड़े रहेंगे, और जहाँ ब्रेड मिला इसको इतना मतलब तेज एक्टिव, अभी आप कुछ नहीं है, एक ब्रेड रख के चले जाओ, दो दिन बाद आना देखें कहाँ से आ गए भाई। इनके स्पोर क्या होते हैं, डेलिकेट नहीं होते थे, हवा में मॉइस्चर में ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट मीडियम आया ये ग्रो कर जाएंगे। तो अनफेवरेबल कंडीशन जाइगो स्पोर फॉर्म द जर्म ट्यूब, जाइगो स्पोर यहाँ की खासियत क्या है, जाइगो स्पोर का जो न्यूक्लियस है क्या हो गया डिप्लॉयड, जैसे ग्रो करेगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा दैट इज द मियोसिस, दैट इज द माइटोसिस नहीं हो, पहला डिवीजन मियोसिस, फिर जो थैलस बनेगा वो क्या होगा डिप्लॉयड, देयरफॉर राइजोम वाज रिप्रोड्यूस्ड थ्रू द वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल फॉर्म द डिफरेंशियल हैक्स। देखें देखिए दो तरह की माइसीलिया है, प्लस स्टेन है माइनस स्टेन, क्लोज आए, क्लोज होने के बाद क्या हो गया कोइनोगैमेट बना, दोनों फ्यूज कर गए, कोइनोगैमेट से क्या हो गया न्यूक्लियस फ्यूजन के बाद जाइगोस्पोर बन गया, और जाइगोस्पोर जनरेट करके क्या बनाया एक नया थैलस बनाया।